हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल द राइजिंग वॉइस को सब्सक्राइब करें। न्यूजीलैंड 15 दिसंबर 2020 शाम के 5:30 बज रहे हैं। ये दुनिया का वो शहर है जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले दिखाई देती हैं, और ये है अमेरिका। यहाँ भी शाम के 5:30 ही बज रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तारीख 14 दिसंबर 2020 है। मतलब कि न्यूजीलैंड से अमेरिका तक पहुँचने के लिए सूरज को पूरे एक दिन का समय लगता है। 15 दिसंबर 2020 ये है हमारा प्यारा भारत, जहाँ अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और इंग्लैंड से इंडिया तक आने के लिए सूरज को मात्र 7.5 घंटे का समय लगता है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। पृथ्वी पर एक खतरनाक घटना होने वाली है, आप इस वीडियो को देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। दरअसल हुआ क्या है, एक हफ्ते पहले जो इंसान कचड़े के ढेर में खांसते खांसते मर गया था, उसको कोरोना वायरस था, और कचड़े के ढेर में मरने की वजह से उसकी बॉडी में जो कोरोना वायरस था खत्म होने के बजाय और ताकतवर बन गया है, और अब वो वायरस उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। Sakes. ना किया तो मेरी कुर्सी मत बैठा कर, मत बैठा कर, तुम मत बैठा कर, अगर तो मेरी कुर्सी पर बैठ जाता है। ये मेरा लैब की गेमिंग जोन है, जब देखो कुर्सी पर बैठ के गेम खेलता रहता है। जो बार बार यहाँ के गेम खेलता है, तू साइंटिस्ट है कि मैं साइंटिस्ट हूँ? सर आप इस हिसाब से किसको बैठना चाहिए? सर आपको दिमाग किसके पास है? दिमाग की बात करता है, दिमाग की बहुत के दिमाग की तू बात कर रहा है जो तेरे पास है ही नहीं। साला फर्जी साइंटिस्ट, पैसों के दम पे डिग्री खरीद के ज्यादा काबिल बन रहा है कुकुर। और मैं घुसने के किस हिसाब से मेरी कुर्सी पे तू बैठ जाता है? दिमाग है मेरे पास तब बैठ जाता हूँ। मेरे पास क्या है? डिग्री है मेरे पास। सरकार वाले आएंगे तो क्या देखेंगे, डिग्री की दिमाग? वो तो डिग्री ही ना देखेंगे। तो चल जा, मेरे लिए पानी लेकर आए गिलास। घुसड्डे के हाथ के बाद मेरी कुर्सी में बैठाना तो फार कर दूंगा। जा मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ। आज तो मैं इसको पानी पिलाता हूँ, वो भी फिल्टर। साला किस पगले ने इसको डिग्री दी है, जब देखो डिग्री ही डिग्री करता रहता है।
दिमाग की बात ही नहीं करता। साला मेरे बारे में ऐसा सोचता है, बताओ इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मेरा कुत्ता मुझे क्यों भाऊ। अरे सर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं डर रहा तो यहाँ पर हूँ, वहाँ कौन कौन है। अरे नहीं सर, वहाँ पर कुछ जिंदा हो रहा है। अरे सर यही कूड़े के ढेर के पास एक बॉडी थी, उसकी बॉडी में बहुत सारे कीड़े थे, मैं तो डर के भाग गया। बड़ा बहादुरी वाला काम किया बेटा। अच्छा रुको, देख के बता रहा हूँ। सर यही है। कुछ समझ में आ रहा है। ओह माय गॉड, समझ में आ गया क्या। अबे यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अब डलरवा आएगा उसी से पूछूंगा क्या है। अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या है। ये लो अपना पानी। क्या कह रहा था वे जाते वक्त। सर आपको कैसे पता। बेटा मुझे सारी बात सुनाई दी है। बेटा अभी इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। जिस डॉक्टर ने तुम्हारी डिलीवरी की थी उस डॉक्टर की डिलीवरी हमने की थी। अच्छा, जो तुम्हारा माइक लगा है बेटा वो ऑन था, उसी की वजह से हम सब सुन लिए। और मैं भी सोचूं इसके पास कहां से इतना दिमाग आ गया। कहां से पानी लाया बेटा, फिल्टर है क्या। दो बूंद सीट डाल दी। सीट डाल के। हाँ बाथरूम से लाया। बाथरूम से। बाथरूम के नल से। बाथरूम के नल से। अच्छा पानी है। अच्छा नहीं। मौका मिले तो हमें और पिलाना। आओ कभी हवेली पे। अबे यार डलरवा समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। अरे सर ये कोरोना का नया स्ट्रेन पैदा हो रहा है अपने इंडिया में। अच्छा तुम जाओ सैंपल लेकर आओ। अच्छा सुनो उसके बारे में रिसर्च कर कर आना। वो वायरस जिस बॉडी को कंट्रोल कर रहा था उसने 2020 को रोकने के लिए एक मशीन बनाई है जिसका नाम 2020 फ्रेजर है। सर, हाँ, क्या हुआ डॉलर। सर मैं पीछे वाले लैब में बहुत देर से इसका एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर कुछ हो नहीं रहा। कुछ नहीं काम किया। इसका एंटीडोट बन ही नहीं रहा। तब तुम बताओ क्या किया जाए। क्या बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस फार्मूले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, कोई दूसरा फार्मूला लेकर। अरे सर इसमें हमारा ही फायदा है। नहीं यार, जनता क्या सोचेगी यार। जनता जानेगी तब ना सोचेगी। मेरा नाम बदनाम होगा। नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अबे यार ठीक है, तो मेरा नाम डिग्री कई बाढ़ में पहले हम बचाएंगे दुनिया को। अच्छा दुनिया को बचाने की बात है, ठीक है मंगो। अबे डलरवा ये पृथ्वी से कुछ ऊपर आसमान में भेज रहा है। अबे डलरवा ये तो दुनिया को रोक रहा है जे। यार जल्दी से एंटीड्यूट बनाना पड़ेगा वरना बहुत घातक साबित होगा ये। Oh no! उस बॉडी ने जिस मशीन को बनाया था अब वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है और दुनिया के बाहर अंतरिक्षयान में बहुत सारे वायरसेस को भेज रही है ताकि दुनिया की रोटेशन रुक जाए। भाई। हाँ भाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे सांता ने बुलाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझको भी आओ देखा जाए क्या कर। अरे यार सांता भी नहीं आया। अरे भाई ट्रैफिक में फंस गए होंगे कहीं पे। अरे उनको जमीन पे थोड़ी चलना है, उड़ना है आसमान पे। वह चुटकी बजाते ही कहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। सलाम वालेकुम सांता। नमस्कार सांता। ओह नो।
मैरी क्रिसमस माय चाइल्ड। संता इतनी लेट क्यों? मैं दे रहा था माय चाइल्ड। क्या संता? गिफ्ट अपने बच्चों को। संता, आपने सभी को गिफ्ट दिया और हमें लेटर क्यों दिया? तुम वर्ल्ड में यूनिक हो माय चाइल्ड। हो क्यों संता? आप, तुम्हारा ब्लड एबी माइनस है। दुनिया में बहुत कम लोगों का एबी माइनस ब्लड होता है। आपको कैसे पता चला? मुझे बहुत कुछ पता है माय चाइल्ड। मेरी बात गौर से सुनो। ये लो दवा माय चाइल्ड। दुनिया का कोई भी वायरस तुम्हें इन्फेक्ट नहीं पहुंचा सकता। सही वक्त पर इसे यूज करना, इसका टाइम लिमिटेड है। 25 दिसंबर की रात को जब सेंटा सभी लोगों को गिफ्ट बांट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आसमान में कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। वो इलीगल एक्टिविटीज वही वायरसेस थे जो दुनिया के बाहर जा रहे थे। उस वायरसेस को रोकने के लिए सेंटा ने दो लोगों को चुना है और इन दोनों के पास सिर्फ 6 दिनों का समय है उस मशीन और उस वायरस को खत्म करने के लिए। भाई आज लास्ट डेट है, किसी न किसी तरीके से आज उसको ढूंढना पड़ेगा और मशीन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। टाइम देखो कितना हो रहा है। देखो तो टाइम कितना हो रहा है। हाँ भाई, 4 बज रहे हैं। भाई 4 बज गए? हाँ भाई, साला 4 तो बज गए लेकिन मेरा टाइम क्यों फ्रीज हुआ है? भाई इंडिया में 4 बज गए। हाँ भाई, इसका मतलब कि न्यूजीलैंड में 11:30 बज रहे होंगे। वहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर होने वाला था। जल्द से जल्द मशीन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। भाई तुम इस साइड ढूंढो, मैं इस साइड ढूंढता हूँ, ठीक है भाई? 31 दिसंबर 2020 शाम के 4 बज रहे हैं और वहीं इंग्लैंड में रात के 11:30 बज रहे होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड का टाइम जोन इंडिया के टाइम जोन से 7.5 घंटा आगे है। उस बॉडी ने जो मशीन बनाई थी उसने अपना काम पूरा कर दिया है। धरती की रोटेशन रुक गई है, दुनिया की जितनी भी घड़ियां हैं सब रुक गई हैं। इंग्लैंड में हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए मात्र 1/2 घंटे का समय रह गया है। उस मशीन को ढूंढने के लिए इन दोनों के पास मात्र 1/2 घंटे का समय बचा है। क्या ये लोग उसे ढूंढ पाएंगे? क्या उसे खत्म कर पाएंगे? सर। हाँ, क्या हुआ बोलो। सर, जो पार्सल आपने मंगवाया था वो भी आ गया है और मैं बता दे रहा हूँ कि फार्मूला कैसे तैयार होगा। सर, ये ऐसे रहेगा और ये यहाँ पे ऐसे रहेगा और इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये रहने दीजिए यहीं पे, इसको फिर उंगली कर लीजिएगा, ये यहीं रहेगा। अब मैं चलता हूँ। मुझको टिकटॉकर समझ आता है क्या? तू साइड चल, इसको अकेले मैं देख लूंगा। तू मुझसे लड़ेगा? चल आजा भोसड़ी के, आजा चला। आ बेटा। ओ भाई आजा, धोखे से ठोक दिया। ओ भाई, अब उसका वक्त आ गया जो सेंटा ने हमें दवा दी थी। तुम साइड हटो, टाइम आ गया है दवा पीने का। मन गई वैक्सीन, अब इससे खत्म करूंगा मैं स्क्रीन करूंगा। भाई साला हंस रहा है, मोटे वाले डंडे से मारो। इतना मार लिया लेकिन मर नहीं रहा है। बंचोत क्या करूं इसका? मार ही नहीं सकते भोसड़ी के। इंसान चाहे कितना भी जोर लगा दे, मैं खत्म हो
वाला नहीं हूँ। तू मरेगा, जरूर मरेगा, हर एक बुराई का अंत होता है। तू मरेगा, जरूर मरेगा, तेरी वैक्सीन मेरे हाथों में। लो इसको शरीर में पोंछ दो, पोंछ दो, पोंछ दो। ओ नो, अबे तुमको दे रहा था, उसको शरीर में लगाना है, जल्दी पकड़ो उसको। अरे खुल जा, अरे खुल जा यार, अरे खुल जा। अब कहाँ जाएगा बच्चे? इंजेक्शन मेरे हाथों में दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ना बेटा, इंजेक्शन तो नहीं दूंगा। अबे छोड़ ना। मारो सर, मारो इसको। अरे रोशनी की अपनी इंजेक्शन तो हटा। अरे भैया, अरे घुसा दिया रे पूरा। अरे कोरोना की मार मार गई। सर इसका क्या करें? कोरोना तो खत्म हो गया, इसको जितना हो सके दूर फेंक दो। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा यूट्यूब चैनल द राइजिंग बॉयज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें।